तो हम लोग हमारी जो पूरे सर्कल की टीम है गांजे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए काफी दिनों से मेहनत कर रही थी। हमारे पास मुखबिर के माध्यम से सूचना थी कि कुछ लोग अवैध तरीके से जनपद में गांजा भिजवा रहे हैं। कल ही मुखबिर की सूचना पे हम लोगों ने कस्टमर्स कुछ लोग जिनके बारे में पता चला तो हम लोगों ने अपने कस्टमर्स बनाए और कल माल प्रोक्योर करने के लिए भेजा। ये दो व्यक्ति हैं सौरभ और प्रदीप उर्फ मोनू। ये दोनों लोग कल हमारा माल लेके आ रहे थे, हम लोग कस्टमर्स बने थे इनका। जब इन्होंने फिर माल की पहचान कराई तो फिर माल और गाड़ी सहित इन लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया। इन लोगों के पास से कुल 56 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसी तो और इन लोगों के खिलाफ फिर 8/20 NDPS एक्ट का मुकदमा दर्ज करके बाकी विधिक कार्रवाई करी जा रही है। इस गांजे को कहां से कहां ले ये लोग ला रहे थे? आंध्रा से, या आंध्रा का माल है और ये लोग सप्लाई अलग अलग जगह करते हैं, जैसे कि इनके कस्टमर्स मेरठ में भी, इनके कस्टमर्स नोएडा में भी। इनमें से जो एक व्यक्ति है प्रदीप, ये पहले नोएडा से भी 2021 में NDPS के मामले में ही जेल जा चुका है। सौरभ का ये पहला मुकदमा होगा। और कोतवाली नगर में भी कल 2 किलो 200 ग्राम करीब गांजा बरामद किया गया है। और दो महिलाएं श्रीमती रेशमा और शन्नू, इन दोनों को कल न्यायिक हिरासत में। कब से लोग इस काम को कर रहे हैं मैम? जो प्रदीप है ये 2-3 सालों से कर रहा है। पहली बार 2021 में जेल गया था।